सर, आज अपन होंडा सीआरवी चला रहे भाई, ठीक है। सेकंड जनरेशन ऑफ होंडा सीआरवी है ये, जो 2007 में आया था। वन विच वी आर ड्राइविंग टू 2009 होंडा सीआरवी है ये, 2.4 ऑटोमेटिक टॉप एंड मॉडल आरवीएसआई, ठीक है, अपना सनरूफ वगैरह के साथ जो आता, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 2.4 लीटर वाला इंजन है। तो अपन देखेंगे इसका पूरा सर्विस मेंटेनेंस क्या रहता, एंड माइलेज का बात अपन आखिरी में करेंगे। एंड यहाँ गाइस, बिफोर गोइंग फॉर अ टेस्ट ड्राइव, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट आवर इंस्टाग्राम पेज, वी कीप पोस्टिंग बेस्ट यूज्ड कार डील्स इन हैदराबाद। चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। व्हाट्स अप गाइस, आज अपन होंडा सीआरवी चला रहे। सो दिस पर्टिकुलर बेबी इज अ 2009 मॉडल, अपना थर्ड जनरेशन है ये होंडा सीआरवी का। 2007 में लॉन्च हुआ था सेकंड जनरेशन। दिस इज द 2009 मॉडल, 2.4 लीटर ऑटोमेटिक सनरूफ टॉप एंड मॉडल है ये सीआरवी का। एंड इट कॉस्टेड अराउंड 30 लाख बैक इन द डे 2009 में। अपने को इसमें 2400 सीसी का फोर सिलेंडर का पेट्रोल इंजन मिलता भाई, कम्स विद अ 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो यार गाइस, कमिंग टू इसके मार्केट में कंपटीटर्स कौन कौन थे बैक इन द डे बोले तो, सी गाइस, बैक इन द डे वी नॉट हैव मच कॉम्पिटिशन। तो अपनी जो एंट्री लेवल लग्जरी एसयूवी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है, वो सेगमेंट में कम्पीट करती थी ये गाड़ी। एंड द ओनली टू कार्स विच कम इन माइंड बोले तो, अपनी जो बीएमडब्ल्यू की X1 हो गई, अपनी जो ऑडी की Q3 हो गई, बिकॉज दिस मॉडल केम इन टिल 2012। तो अपनी जो X1 है, ऑडी Q3 लॉन्च हो गई थी तब तक, एंड इट वॉज एक शोरूम प्राइज एट 20 लाख चेंज, Q3 एज वेल एज X1। सो अपनी जो एंट्री लेवल लग्जरी SUV है, वो सेगमेंट में कम्पीट करती थी ये गाड़ी। एंड यहाँ गाइस, कमिंग टू इसका स्टेयरिंग फीडबैक, आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते रहते, स्टेयरिंग का फीडबैक भी बढ़ता रहता, आपको मजा आएगा ये गाड़ी चलाने में, एज वेल एज इन द सिटीज ऑन हाईवेज एज वेल। एंड ऐसा नहीं है कि आपको एवरेज नहीं मिल रहा, आराम से आपको 7-8 का एवरेज मिल जाता सिटी में। एंड हाईवे पे इफ यू आर जेंटली क्रूजिंग, इट विल गिव यू 11-12 इन दिस व्हाट यू कॉल हाईवे पे दे देती। एंड इस कमिंग टू इसका स्टेयरिंग फीडबैक, आपको मजा आएगा ये गाड़ी चलाने में, आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते रहते, स्टेयरिंग का फीडबैक भी बढ़ता रहता। एंड यू नो यू हैव गॉट दैट कमांडिंग पोजिशन ऑफ द रोड, रोड प्रेजेंस ऑफ सीआरवी इज ऑलवेज बीन ग्रेट। आप जैसे स्पीड बढ़ाते रहते, स्टेयरिंग का फीडबैक भी बढ़ता रहता, एंड यू विल हैव फन ड्राइविंग द कार इन द कॉर्नर्स एज वेल। एंड यार गाइस, एज आई ऑलवेज से, नो कार इज मेंटेनेंस फ्री, बी दैट होंडा, बी दैट बीएमडब्ल्यू, बी दैट ऑडी, बी दैट वोल्वो, बी दैट मर्सिडीज, बी दैट हुंडई, बी दैट मारुति, बी दैट फिएट, बी दैट फोर्ड, एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू गिव द एसेंशियल्स द कार नीड्स, अदरवाइज गाड़ी मेंटेन नहीं होती लॉन्ग टर्म में। एंड यहाँ गाइस, फॉर पार्ट्स एंड सर्विस ऑल्सो, आप अपने गराज पे आते थे डायरेक्टली, यू डी नॉट गो टू द कंपनी फॉर पार्ट्स एंड सर्विस, वे चार्ज यू हाई लेबर टैक्स, अपने पास रेडी अवेलेबल रहता वो पार्ट। चलो इसके जनरल सर्विस और मेंटेनेंस का बात कर लेंगे अभी, लेट्स गो। अपन होंडा सीआरवी चला के अभी, ठीक है, सेकंड जनरेशन मॉडल है ये, 2009 मॉडल है, दिस अ टॉप एंड मॉडल, 2.4 ऑटोमेटिक आरवीएसआई, कम्स विद अ सनरूफ एंड ऑल, ओके। तो लेट्स स्टार्ट का जनरल सर्विस। तो फॉर एवरी 10,000 किलोमीटर्स योर जनरल सर्विस कॉस्ट विल कम आउट टू बी 6,800 रुपीज भाई, आपको ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, कूलेंट टॉप अप जो भी होता, अपना 6,800 रुपीज में होता हो, ओके। नाउ मूविंग ऑन, इसके ब्रेक पैड्स, फ्रंट एंड रेयर ब्रेक पैड्स विल कॉस्ट यू अराउंड 3,000 रुपीज भाई, आपका आगे का ब्रेक पैड अलग रहता, पीछे का ब्रेक पैड सेट अलग रहता, तो ईच न्यू ब्रेक पैड सेट विल कॉस्ट यू अराउंड 3,000 रुपीज, ओके। नाउ मूविंग ऑन, इसका टायर 225/65/17 इंच के टायर थे ये, ठीक है, डिपेंडिंग अपन द ग्रेड अपना जो रहता, डिपेंडिंग अपन द कंपनी, ब्रिस्टोन हो गया, मिशलिन हो गया, C8 हो गया, जेके टायर हो गया, 10-12,000 रुपीज में आपका एक टायर आता भाई, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड द ग्रेड, जो लास्ट में ग्रेड रहता है LH, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्रेड इट विल कॉस्ट यू 10-12,000 के बीच में आपका टायर आता, ओके। बट जो अपना जो रेगुलर ग्रेड है 225/65/R17 TL, वो आपको कॉस्ट करेगा 10,000 रुपीज, ओके। नाउ कमिंग लास्टली, कमिंग टू इसका बैटरी, 45 एम्पीयर की बैटरी चलती भाई, एक्साइड ले रहे, एम्ब्रन ले रहे, 5,800 रुपीज की बैटरी है, ओके। तो यार गाइस, दैट वाज द मेंटेनेंस। नाउ कमिंग टू द माइलेज भाई, देखो बिना 2.4 लीटर फोर सिलेंडर का पेट्रोल इंजन मिलता अपने को, और ऑटोमेटिक है, और ऐसा नहीं है तो आपको एवरेज नहीं मिल रहा, बिना यू नो एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लग्जरी एसयूवी है, तो सिटी में यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 7-8 देते रहती। एंड हाईवे पे ऑफ यू नो जेंटली क्रूजिंग, आपका 8-4 रन हो गए, 10-11 का एवरेज आपको आराम से मिल जाता। एंड यार गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉर यू नो, आपको एक लग्जरी एसयूवी चाहिए, इना बजट आप देख रहे 6-7 लाख के बाद आपका बजट है, आप एक लग्जरी एसयूवी देख रहे मार्केट में, यू नो विच इज मॉडर्न लुकिंग, वेरी यू नो वेरी स्टनिंग कार, अगर आप देख रहे हैं स्पोर्टी लुकिंग कार, ड्राइविंग प्लेजर अच्छा है, अच्छा होना आपको, यू कैन कम टेक अ लुक एट द कार। एंड ऑल्सो गाइज, फॉर पार्ट्स एंड सर्विस, अपने गैराज पे आ सकते हैं डायरेक्टली, यू डी नॉट गो टू द कंपनी फॉर पार्ट्स एंड सर्विस, यू कैन डायरेक्टली कम टू अस। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप पहले की वीडियोज में देखा वो भी देखो, आपको एक सर्विस और मेंटेनेंस का आइडिया हो जाता है गाड़ियों का क्या रहता, ओके। चलो सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, चीयर्स, यो।